नमस्कार, नेशन वन के बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और सबसे पहले खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक ग्राम पंचायत के फैसले को हर कोई आज सराहा रहा है। गांव वालों की सहमति के बाद बाईखुर्द गांव की पंचायत ने सट्टे जुआ और शराब के लिए एक फैसला लिया है। क्या है वो फैसला, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में आने वाला बाईखुर्द गांव आज अपने फैसले के चलते चर्चा में आ गया है। दरअसल इस गांव के पंचायत ने सट्टा, जुआ और शराब के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसमें गांव के लोगों ने ग्राम प्रधानपति के साथ मिलकर साफ तौर पर कहा है कि ना तो हम जुआ सट्टा खेलेंगे और ना ही किसी को खेलने देंगे। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत में ये फैसला भी लिया गया कि जो जुआ सट्टा खेलते हुए या फिर शराब का सेवन करते हुए पाया गया तो उस पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बारे में नेशन वन की टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधानपति प्रमोद कुमार ने बताया कि ये फैसला गांव के नौजवानों को जुआ और शराब जैसी लत से दूर रखने के लिए लिया गया है, जिससे गांव के युवा अपना भविष्य जुए, सट्टे और शराब जैसी लत के चलते अंधेरे में न गंवाएं। वहीं पंचायत के इस फैसले से गांव के लोग भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने भी इस फैसले पर अपनी सहमति जताई है। इस फैसले के दौरान पंचायत में ग्राम प्रधान विमलेश देवी, प्रधानपति प्रमोद कुमार, जिला पंचायत सदस्य पति भरत सिंह राजपूत समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमारे गांव में एक सार्वजनिक पंचायत बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, इसमें सभी गाँववासी का सहयोग था, सभी गाँववासियों का अनुरोध था। इसमें ये तय किया गया है जुआ शराब सट्टा नहीं हम करेंगे, नहीं करने देंगे, और अगर कोई करता है तो उसे समझाएंगे, जाएंगे, नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस गांव में आज हम जो लोग इसलिए आए हैं कि कल हमारे इस गांव ने, बाईखुर्द ने एक संकल्प लिया है कि जुआ शराब सट्टा जो एक समाज के लिए घातक बीमारी है, विकास के लिए घातक बीमारी है, उसके खिलाफ हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों ने अपनी मन की ज्ञानेंद्रियों से, इच्छा से ये संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर गांव बाईखुर्द का कोई भी निवासी किसी भी कीमत पर जुआ शराब सट्टे का ना तो कोई प्रयोग करेगा, ना ही इसको अमल में लाएगा और ना ही किसी को करने देगा। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने छर्रा थाने में एक प्रार्थना पत्र देकर इस फैसले की जानकारी दी। वहीं पंचायत के इस फैसले को पुलिस ने भी सराहा है और पंचायत के इस फैसले में अब पुलिस भी उनकी मदद करेगी। इस फैसले से जुड़े निर्देश थाने की बाहरी दीवारों पर लिख दिए गए हैं, जिससे गांव में आने जाने वालों को भी इस पहल से जोड़ा जा सके। यहां तक कि एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने नेशन वन की टीम को बताया कि गांव के लोगों ने गांव में छिपाकर शराब बनाने की बात भी उनसे कही है और पंचायत के लोगों को साथ मिलकर उनकी जानकारी देने की बात भी गांव वालों ने पुलिस से की है, ताकि गांव में अवैध रूप से बन रही शराब पर भी रोक लगाई जा सके। ये सामाजिक चेतना का युग है और वहाँ के ग्राम प्रधान ने ये पहल की है, उसके गाँव में शराब बनाने की, देसी शराब बनाने की शिकायत थी, उसने पूरे पंचायत की बैठक बुला के और ये बताया है कि जुआ शराब नशा अगर उसके ग्राम समाज में कोई, ग्राम सभा में कोई अगर इसका प्रयोग करेगा या ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपये अर्थदंड लगाने की उसने, और उसने पुलिस से सहयोग की अपील की। पंचायत के इस फैसले से महात्मा गांधी की कही एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर समाज को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत पहले खुद को बदल कर करो। वाकई में समाज को जुए, सट्टे और शराब जैसी बुराइयों से बचाना है तो उसकी शुरुआत हमें खुद अपने घर से करनी होगी। अलीगढ़ से सुंदर तोमर की रिपोर्ट। और बिग न्यूज में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप देखते रहें नेशन वन।